गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और व्लॉग की शुरुआत। आज हम अपनी लास्ट पॉइंट इस ट्रिप का, अमेरिका का लास्ट टिप की वेस्ट पे जा रहे हैं। तो चलो हम निकलते हैं। अभी हम फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे नीचे और फिर आगे निकल जाएंगे। बात यह है इनके पास काफ़ी अच्छे वेजिटेरियन ऑप्शन है, तो मैंने थोड़े सा ओट मील लिया है, उस पर थोड़े नट्स डाल दिए हैं। ये वेजिटेरियन सॉसेज है और वेजिटेरियन थ्री चीज समथिंग। लकीली हम लोग कुछ खा पाएंगे। और ये हमारा व्यू है, सब चीज़ रही है, थोड़ी और चीज़ें लेने। और प्रॉब्लम ये है कि ये सिंगल रोड है, तो ओटे तो कर नहीं सकते। बट कमाल की बात ये है कि अब हम लोग फाइनल रोड पे आ गए हैं जो की वेस्ट जा रही है, और ये रोड स्ट्रेट 118 माइल ये रोड स्ट्रेट की वेस्ट जा रही है। की वेस्ट अमेरिका का लास्ट पॉइंट है, जिसको आप अमेरिका की कन्याकुमारी भी बोल सकते हो, और आज हम अमेरिका की कन्याकुमारी को टच करके आएंगे। मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक वो जो यूएस के लास्ट पॉइंट तक पहुंचना, वो एक यूएस की कन्याकुमारी बोल सकता ना किसको, मैं यूएस के लास्ट पॉइंट साउथ एकदम टच करके एकदम, तो है तो सही, एक डिफरेंट फील तो आती है। चाहे वहाँ पे कुछ भी ना हो, चाहे वहाँ पे सिंपल ही होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ। ऐसे कोई सिंपल सा वो पत्थर पड़ा, मैं उसको छू के आऊंगी ना, तो मुझे ऐसा लगेगा वाओ मैंने जिंदगी में कुछ अकम्प्लिश किया। नहीं सही में, ये तो है ही, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जाके आपको कुछ स्वर्ग दिख जाएगा या कुछ ऐसा। इसकी वो लाइक यूएस की उसका टेरिटरी का एंड है। हाँ, यूएस टेरिटरी का लास्ट पॉइंट है। आप देख ही रहे हो लोग कितना आहिस्ता गाड़ी चला रहे हैं फुर्सत से। यहाँ पे 90 माइल दूर है अभी, लोग इतनी फुर्सत से चला रहे हैं। मेरे साथ टॉर्चर पता क्या हो रहा है, साक्षी गाएं गाने गाए जा रही है, सारे गानों का ना कवर दे रही है ऊपर से, और इतना घटिया गा रही है वो कि मतलब सोचो मेरा क्या हाल है, मेरे को 90 माइल इस रोड पर गाड़ी चलानी है। वर्ड लगा रखी है मेरी, एक इन लोगों ने और एक साक्षी ने, और गाने लगा दिए। आदमी इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम है, गाने सुनते हैं। गैस तो अगर अगले शॉट में मैं ना दिखूं तो साक्षी ने मुझे गाड़ी से धक्का दे दिया होगा नीचे, क्योंकि अभी हम पानी के बीच में से जाएंगे ना, ये लात मारेंगे खोल के हमें नीचे। क्या बताएं, हमारे दोनों तरफ इतने सुंदर नजारे हैं, इतना खूबसूरत है यार, हम बता ही नहीं सकते। लाइक हम लोग बेसिकली दो आइलैंड्स के बीच में एक रोड जा रही है, उसमें जा रहे हैं, और दोनों तरफ पानी है, और जो पानी है उसका कलर है ग्रीन एंड ब्लूइश कलर का, और इतना क्लियर वाटर, और इतना सुंदर, इतना साफ, मतलब बहुत सुंदर है। और हम लोग भी बीच सिटी पे रहते हैं, बट हम नॉर्थ में पड़ती है हमारा शहर, तो वहाँ पे पानी थोड़ा डार्क है। साउथ में बीचेस में पानी थोड़ा ग्रीन ब्लूइश होता है, जैसे कैरेबियन में, बहामास में। हाँ। इस पार्ट में बहुत अमेजिंग है, होपफुली कैमरा इस ब्यूटी को जस्टिस दे सकता है यार, क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर से ले रही, तो
थोड़े हमारे वो जो ग्लासेस है वो थोड़े टिंटेड है विंडोज, तो शायद पानी का कलर प्रॉपरली नहीं आ रहा है, बट पानी एकदम ग्रीन कलर का है। और बेसिकली हम लोग यहाँ रोक नहीं सकते रोड पे गाड़ी, और जो स्टॉप पॉइंट है ना वहाँ रुकना नहीं चाह रहे, बिकॉज फिर हम लास्ट पॉइंट पे नहीं पहुँच पाएंगे और अंधेरा हो जाएगा, तो इसीलिए हम फटाफट वहाँ पहुँच रहे हैं। आई थिंक लास्ट पॉइंट बेस्ट होगा। इस मैं देख रही हूँ मेरे राइट साइड में स्काई और पानी दोनों ऐसे ब्लूइश ग्रीनिश कलर के ऐसे मर्ज करे, बहुत सुंदर, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। देखो सेम चीज हमारी सिटी में भी है कि पानी है, रोड जाती है, बट ये नजारा नहीं है जो ये यहाँ पे है। मन करता है यहाँ रहो, टोटली वर्थ, तुम आओ ना यहाँ पे, मन करता है कि तुम यहीं रहो। बीच में कुछ शहर है उनमें भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा मैंने, मुझे लगा ये कोई छोटा, हमें लगा कि कोई छोटा सा हैवी आइलैंड सा होगा, वहाँ पे दुकानें लगी हुई होंगी, ठेले लगे हुए होंगे, लोग नारियल पानी पी रहे होंगे, वो लाइक वो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर वाला है यहाँ पे, हमें लगा ये तो कुछ वैसा होगा, बट ये तो प्रॉपर शहर है, लाइक प्रॉपर घर बने हुए हैं, मार्केट्स हैं, और बिल्कुल अमेरिका जैसा, लाइक नॉर्मल किसी शहर में आप लग रही ना हम किसी आइलैंड पे, ऐसा लग रहा है कि ये तो प्रॉपर किसी यूएस के किसी शहर में आए, किसी सिटी में आए। अब तो ये चैलेंज हो रहा है कि हमें ढूंढना पड़ेगा हमें यहाँ करना क्या है, क्योंकि हम तो बीच ही नहीं दिख रहा है हमें अभी अभी यहाँ पे, तो लेट्स सी। फाइनली हम लोग पहुंच गए की वेस्ट में, जो लास्ट पॉइंट है, जो मोस्ट सदर्न पार्ट ऑफ यूएस, वहां पहुंच गए हैं। और तो मैं अभी फिगर आउट कर रहा हूं यहां पे गाड़ी का जो पार्किंग है उसको कैसे पे करना है, तो गाड़ी पार्क कर दिया, उसके टिकट हम लोग अभी ले लेंगे और फिर बस जो वो पॉइंट है वहां पे जाएंगे एंड देन देखते हैं वहां पे क्या है। फिलहाल तो धूप इतनी है कि उसकी स्क्रीन ही नहीं दिख पा रही है। तो गाइस अभी क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, हम लोग ऑलमोस्ट 2:30 बजे पहुँचे, तो हम मेन मेन चीज़ें कर रहे हैं, तो जो मेन पॉइंट है जहाँ पे सब लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं अभी हम वहाँ जा रहे हैं, और उसके बाद एक दो यहाँ पे थोड़ी देर घूमेंगे, कुछ एक कैफ़े है वेजिटेरियन वो ट्राई करेंगे एंड फिर हम प्रीटी मच रैप अप करके यहाँ से निकलेंगे। यहाँ की एकदम अमेजिंग वाइब है यार, एकदम साउथ में हो जैसे साउथ अमेरिका में, और कैफेज़ है, म्यूज़िक प्ले हो रहा है, लोग अलग अलग ठंडी ठंडी ड्रिंक्स कर रहे हैं, सो वाइब एकदम अमेजिंग है। तो अभी हम लाइन में लगे हुए हैं, इतनी लंबी लाइन है जस्ट सो दैट हम जाके एक फ़ोटो क्लिक करवा पाए जो मेन जो लास्ट पॉइंट है यूएस का। तो अभी हम लोग यूएस का फाइनल पॉइंट टच करने वाले हैं, साक्षी उसका उद्घाटन करेगी, साक्षी सबसे पहले टच करेगी, फिर मैं उसकी फ़ोटोज़ लूँगा एंड फिर वो मेरी फिर वो मेरी फ़ोटोज़ लेगी, फिर मैं टच करूँगा उसको एंड उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा ये पागलपन लगता है लाइन में खड़ा होना इन सब काम करने के लिए, बट कोई ना, बट मुझे ऐसा कि आए हैं तो क्यों ना पिक्चर क्लिक करेंगे, फिर मन में रह जाएगा कि हाँ ये पिक्चर नहीं क्लिक करेंगे। ये जो सब चल रहा है इसे कहते हैं चुल, मुझे तो है चुल, मैं तो मानती हूँ, मुझे तो पूरी भी करनी है। करो, तभी तो हम लाइन में लगे। I don't mind.
ये मुझे जस्टिफाई कर रही है कि हम यहाँ लाइन में क्यों खड़े हैं। ये है अमेरिका का सदर्न मोस्ट पॉइंट। मैं भी खिंचवाऊंगी ऐसे, आप उधर मैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं, बस हमारा नंबर है अभी, बस हम टच करेंगे और निकलेंगे। अभी हमारी पिक्चर हो गई है, बहुत हेल्पफुल थे, मैंने हमारी फोटो ले ली है, बस अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉप की ओर। चलो लेट्स गो।